हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 के, जो कि पहला चैप्टर दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन। दोस्तों, इसका मैंने पहला वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने बताया है प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है वो सब बता दिया है, और प्रकीर्णन, प्रकाश स्रोत यह सब क्या होता है मैंने उसमें बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यही दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों, मैंने प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका कहने का मतलब दोस्तों यह है, किसी बिंदु स्रोत से जो किरण आ रही है उससे फिर दर्पण से जो टकरा कर, क्या बोला है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हो या जिस बिंदु पर मिलती हो या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। एक बार फिर से, किसी बिंदु स्रोत से अति प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हो या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। दोस्तों, प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। पहला दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा दोस्तों आभासी प्रतिबिंब, क्या है, आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको काल्पनिक मिलेगा, कहीं कहीं आपको आभासी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों वास्तविक का होता है रियल इमेज, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ मैं इसका। दोस्तों आर्टिफिशियल ऐसे सब कुछ होता है, इसका हमें पता नहीं है। तो दोस्तों ये वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों, प्रतिबिंब तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से, इसका हम डेफिनेशन बोल देता हूँ, लिख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी वास्तव बिंदु पर मिले जिसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जस्ट उसका अपोजिट आभासी होगा। आभासी में क्या होगा दोस्तों, अपोजिट उसका नहीं मिलेगा, उसका आभासी मिलेगा, हल्का आभासी मिलेगा, तो उसी को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों, आज टॉपिक जो हमारा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब मैंने आपको बता दिया, चल चलते हैं हम देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम एक लेंगे समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण बोल रहा है, इसको आप ऐसे करके रज्जित कर दो, क्या कर दो, या रंग दो ऐसे। इसको क्या किया मैंने, इसको रंग दिया है। अब दोस्तों कोई बिंदु स्रोत ये मान लो, इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लिए होंगे। कोई बिंदु स्रोत है दोस्तों, कोई बिंदु स्रोत से किरण इधर भी जाएगी, 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 यानी कि कोई बिंदु स्रोत जो प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत जो वस्तु उससे क्या है, किरणें फैलती है। तो बिंदु स्रोत जो इससे भी किरणें क्या है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो हमें दोस्तों पहली किरण दोस्तों आएगी इधर, थोड़ा फिगर टेढ़ा बन रहा दोस्तों मेरे से, आप इसको पेंसिल से बनाइएगा। एक इधर इधर आई और फिर वापस इससे टकरा गई। मैंने आपको बताया था जब भी कोई किरण या किसी दर्पण पर पड़ती है तो वापस वो टकरा जाती है। तो इसे ये जो किरण है, ये बिंदु स्रोत से जो किरण आई इसको बोलते हैं आपतित, क्या आपतित किरण, आपको मैंने पढ़ाया है आपतित किरण। जैसे ही वो दर्पण पर पड़ी वापस से प्रावर्तित होकर इधर चले गई। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रावर्तन कौन, ये सब जानते हैं आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था यही, तो देख लीजिए वो जाके। दोस्तों इन दोनों के बीच क्या होगा, अविलंब होगा दोस्तों, इसको आप एन से डिनोट करते हैं, अविलंब, अविलंब। देखिए इन दोनों के बीच एक कौन होगा, इन दोनों के बीच भी एक कौन होगा, एक इन दोनों के बीच कौन सा कौन होगा दोस्तों, आई यानी कि आपतन कौन, और इन दोनों के बीच आर यानी कि परावर्तन कौन, परावर्तन कौन, इसको बोलेंगे आपतन कौन। आर एस में दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ इसमें एक फंडा है, क्या फंडा है, जैसे ये जो ये आपतित किरण क्या है, ये किरण जो आएगा, ये किरण जो है आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण, इससे क्या होगा, अगर इसको हम थोड़ा सटा दें, इन दोनों को क्या करें, इन दोनों से हटा दें, अभी ये क्या है, अभी इन दोनों के बीच ये अभिलंब क्या है, 90 डिग्री का है, लेकिन जब इन दोनों को हम धीरे धीरे सटाते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे इस तरह का होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, होगा ना, ऐसे होगा, तो क्या
तो ये दोनों आपस में क्या, ये फिर आते 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 इस पर चला जाएगा ये क्या, अगर फिर एक बार फिर से समझो अच्छे से, इसमें यहाँ बता दो, ये दोनों क्या है, किरण है, ये क्या है देख रहे हैं अभिलंब है। अगर मैं इसको ऐसे सटाऊँ, ये किरण क्या, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आते आते दोस्तों ये अभिलंब पर चढ़ जाएगा। अगर अभिलंब पर चढ़ जाएगा तो दोस्तों ये मेरा आई जो है ये आपतन कोण, इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इसका मान जीरो होगा ऑटोमेटिक दोस्तों आर का मान जीरो होगा। ये आपको पता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो। आए समझ दोस्तों, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ गए ना आप। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बिंदु स्रोत से बहुत सारे किरण निकल रही है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी किरण जो निकल रही है, हमें सिर्फ वो किरण लेना है जो हमें सिर्फ काम में है। तो दोस्तों इसमें एक किरण काम आने वाली है, तो दोस्तों मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखिए इसके सीधे ये जो दर्पण है क्या पूरा, ये दर्पण इसको ए मान लो, इसको ए डैश मान लो, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक समतल दर्पण है। इस पर ये किरण जो है एक क्या होगी, अभिलंब की तरह आपतित होगी। क्या होगी दोस्तों, अभिलंब की तरह आपतित होगी। इसको दोस्तों आप मान लो बी मान लो, क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। ये दोस्तों क्या होगी, एक ये जो किरण दोस्तों है, मैंने क्या बोला, इससे बहुत किरण निकल रही है, इस बिंदु से जो है किरण इधर भी निकल रही है, इधर भी किरण, इधर भी इधर। तो हमें कौन सा लेना है, जो हमें सिर्फ काम में है वही लेना है। तो दोस्तों ये अब ये काम में है, और ये सबको हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सबको वापस मिटा दो। अब अच्छा लग रहा है ना, सब जब मैंने हटा दिया तो ये किरण जो है ये क्या हो गया, समतल दर्पण पर एक अभिलंब के रूप में आपतित हो रहा है। कैसे आपतित हो रहा है, अभिलंब के रूप, अभिलंब ऐसे होता है ना 90 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे मिला दूँ क्या, ऐसे मैं इसको मिला देता हूँ, ऐसे में दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ क्या होता है, जैसे दोस्तों ये ए बी जो है, इसको दोस्तों है ना आप ओ मान लो, अच्छा रहेगा, इसको ओ मान लो, और इसको भी, इसको कुछ भी मान लो, ओ डैश मान लो, ठीक है, इसको ओ मान लिया, इसको ओ डैश मान लिया। अब देखो इसमें एक फंडा होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। ये जो ए बी हमारा अभिलंब के रूप में जो आपतित हो रहा है समतल दर्पण में, क्या हो रहा है, ए बी अभिलंब समतल दर्पण पे आपतित हो रहा है अभिलंब के रूप में, ये और ये आपतित किरण जो है, ये क्या है, बी और ओ, ये जो आपतित किरण देख रहे हैं आप, जो आपतित किरण देख रहे हैं आप, ये जैसे इससे दर्पण पर टकराई, क्या बोला, जैसे इस दर्पण पर टकराए ये इधर चलेगी, क्या इधर चलेगी। लेकिन दोस्तों हमारे आँख को क्या लगता है कि ये जो अभिलंब जो है ना, ये टकरा कर पीछे चली गई, क्या चली गई दोस्तों, ये थोड़ा पीछे आ गया इसके, और ये जो टकरा है, ये जो दर्पण पर टकरा है, आपतित किरण जो दर्पण पर टकरा है इधर चला गया। लेकिन हमारे आँख को क्या लगता है कि ये किसी पीछे वाली जो वस्तु है, नीचे वाले वस्तु से आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे वाले वस्तु से ही आ रहा है। फिर से समझिएगा, जैसे ये आपतित किरण दर्पण पर टकराए ये इधर चली गई, रिफ्लेक्ट हो। लेकिन हमारी आँख को क्या लगता है, ये जो दर्पण जो इधर जो दर्पण से टकराकर परावर्तित किरण इधर चले गए, हमारे आँख को क्या लगता है कि ये जो किरण जा रही है ये किसी पीछे वाले वस्तु से, दर्पण के पीछे वाले वस्तु से निकल रही है, क्या लग रहा है, दर्पण के पीछे वाले वस्तु से निकल रहे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ देखिए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दोस्तों आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या मैंने बोला था, कि किसी बिंदु स्रोत से दर्पण, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तित होकर वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो सेम दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है ये, देखिए हालांकि ये जो आपतित किरण है दर्पण पर टकराए इधर परावर्तित हो गया, लेकिन हमें तो हमारी आँख को लग रहा है कि ये यहाँ से निकल रहा है, इस बिंदु से निकल रहा है। तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों कि क्या है, आभासी प्रतिबिंब, क्या दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब। हम बोल सकेंगे जो समतल दर्पण हमारा, समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और एक फंडा है, ये भी क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो ए बी है अभिलंब के रूप में, ये जो आपतित हो रही है दर्पण पे, ये वापस फिर इसी दिशा में चला जाए, पहले इस दिशा में आया, इसको देंगे एरो का निशान, फिर इसी दिशा में चला गया, तो हम ऐसे देंगे, ऐसे समझ में। अब थोड़ा इसको भी नीचे खींच लीजिए, क्योंकि ये भी लग रहा है हमें, ये भी लग रहा है कि हमारे आँखों के पीछे बन रहा है, इसको अब दोस्तों थोड़ा बढ़ा लीजिए। इसको कुछ मान लीजिए, चलो मैं पी ही मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है। तो इस मैंने इसको मिला दिया, अब दोस्तों यहाँ पर क्या लग रहा है आपको,
इसमें एक फंडा है, क्या फंडा है आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, समतल दर्पण, एक समतल दर्पण है। आप बोल सकेंगे ये क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है वस्तु की दूरी, देखिए बराबर है समतल दर्पण। आप बोल सकेंगे समतल दर्पण पर जितना वस्तु को आगे रखेंगे, क्या बोला, समतल दर्पण पर जितना वस्तु को आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। देखिए मैंने समतल, ये क्या है एक तरह से वस्तु ही समझ लो, मैंने इसको इतना आगे रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बना है। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो इसका प्रतिबिंब भी इतना ही बनेगा, आए समझ दोस्तों। तो इससे कहने का मतलब है समतल दर्पण ये देख रहे हैं आप, इस पर वस्तु को आप जितना दूर रखोगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, आए समझ दोस्तों। इसलिए हम बोलते हैं वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, आए समझ में दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि u बराबर v, आए समझ में। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं थोड़ा समतल दर्पण द्वारा, ये तो देख लिया आपने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है आभासी। अगर आपको कोई पूछे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप बोलेंगे काल्पनिक या आभासी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है, लोग क्या करते हैं इसको रटते हैं, तो रटना नहीं है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब चलिए कुछ इसके गुण जो है विशेषताएँ वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। दोस्तों लिख रखा है मैंने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, तो मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता है, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, अच्छे से मैंने लिखा है। पहला पॉइंट दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे कि एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ये था ना, देखिए ये क्या प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, पीछे बन रहा है ना, ये मैंने समझा दिया आपको ऐसे नॉर्मली बता दिया। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये पीछे बन रहा है देख रहे हैं आप, ये क्या प्रतिबिंब है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब कि प्रतिबिंब जितना साइज करेगा उतना साइज का, मतलब कि वस्तु जितना साइज करेगा उतना साइज का प्रतिबिंब भी बनेगा। मैंने आपको बताया था ना वस्तु से आप जितना इसको दूर रखोगे उतना ये पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितना जैसे वस्तु है जिस, मतलब कि जिस साइज का वस्तु है उस साइज का प्रतिबिंब भी रहेगा। तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ, मैं एक सपोज दैट मैं वस्तु है, एक मेरे सामने एक आईना रखा है उसमें अपना फेस देखता हूँ तो मेरा सीधा प्रतिबिंब दिखता है, ना कि नाटा दिखता है, गोरा दिखता है, मतलब कि सीधा दिखता है, जैसे मैं वैसे दिखता है, ऐसा समझ लो। और चौथा पॉइंट है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ये पार्श्विक रूप क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ये पार्श्विक रूप क्या है मैं आपको बताता हूँ। पार्श्विक रूप मिस हो गया, जैसे कि आप आईने में देख रहे हैं ना तो आपका फेस जो है पूरा वो सही दिखेगा, एकदम सीधा दिखेगा, लेकिन एक फंडा है, अगर आप ऐसे हाथ को करोगे तो आपको लगेगा, जैसे मेरा दाहिना हाथ है दूसरे में दाहिना हाथ ऐसे करूँगा आईने में तो आपको लगेगा, आईने में आप दर्पण में आपका इमेज बनेगा कि आपने बायां हाथ खड़ा किया है। तो दोस्तों यही होता है पार्श्विक रूप, यानी कि जैसे हम बायां हाथ खड़ा करेंगे तो हमें लगेगा कि दायां हाथ खड़ा हुआ, अगर दायां हाथ खड़ा करेंगे तो लगेगा कि बायां हाथ खड़ा हुआ, यही होता है दोस्तों पार्श्विक, यानी कि ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, वैसे तो सीधा होता ही है। और पांचवा पॉइंट है, प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी मैंने बताया, आभासी कैसे होता है, जो किसी बिंदु से प्रतीत होती हुई अलग। तो दोस्तों ये जो जैसे ये आपतित किरण दर्पण पर यहाँ टकराया होता है, लेकिन हमारे यहाँ को क्या लगा कि ये जो किरण जा रही है ये किसी वस्तु से, मतलब किसी बिंदु से आ रही आती हुई प्रतीत हो रही है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो मैं बताएं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो तो उसे हम आभासी या काल्पनिक बोलते हैं, तो वही है ये। और छठा पॉइंट दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। मैंने आपको ये भी बताया, जैसे आप इसको जो दर्पण है आप दर्पण से वस्तु को जितना आगे रखो उतना पीछे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ये भी मैंने बताया। अगर इतना आगे है ये दर्पण है, अगर इतना आगे है तो इतना आगे ही बनेगा, अगर इतना आगे है तो इतना आगे प्रतिबिंब बनेगा, आए समझ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, और इससे जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ा मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन इसमें जाएगा दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बता दीजिए काल्पनिक बनता है, अगर काल्पनिक ऑप्शन में नहीं है
तो आभासी यानी काल्पनिक आभासी दोनों एक ही को बोलते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है या आभासी होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपके साथ कि समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो बोलेगा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, ये हो गया। और क्वेश्चन आपका आ सकता है, नहीं और तो क्वेश्चन नहीं आया, बस यही दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, वो भी ऐसे तो क्वेश्चन बहुत है, वो बना बना के दे देगा, लेकिन दो जो बार पढ़ाता है ये पूछेगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आइसमें दोस्तों, तो दोस्तों मैंने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको अच्छी तरीके से बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक बात, अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो मैं कंपटीशन की साइंस की जो ऑब्जेक्टिव MCQ होता है वो मैं कराता हूँ। फिलहाल मैंने अभी एक भी वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं उसका जल्दी डालने वाला हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू।